स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर में आगे से कंटिन्यू करेंगे। नंबर वन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नंबर वन है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, मतलब जब मैटर के टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब जब टेम्परेचर को रेफर करेंगे तो मैटर पर क्या असर पड़ेगा। अब देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमने बर्नर लगा कर दिया या आपने गैस के ऊपर पानी रख दिया। ऑफ सॉलिड, कोई बर्फ़ डाला आपने एक बीकर में या फिर एक बर्तन में और उसको हीट कर रहे हो सॉलिड में। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। या मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना, उसके पार्टिकल मूव करते हैं, जब मूव करेंगे तो कौन सी एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जैसे ही हम पानी बर्फ़ को गर्म करेंगे तो उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कौन सी एनर्जी शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मूव करने लगेंगे यानी स्टार्ट हो जाएगा, उन्हें क्या होगा, वाइब्रेशन, यानी मूव करना ग्रेटर स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन, तो पार्टिकल तो चिपके हुए थे ना, और जब हम हीट दे रहे हैं तो वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो अपनी एक फिक्स पोजीशन में थे वो, और उसको क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि पहले तो क्या थे, वो चिपके हुए थे, लेकिन जैसे हमने हीट दिया तो वो कैसे होगा, लिक्विड फॉर्म में जब आएंगे तो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे ना, तभी तो वो सॉफ्टली आएंगे, अपने पार्टिकल थोड़े मूव करेंगे तभी तो लिक्विड फॉर्म में आएंगे। तो क्या रहता है, वो अपनी फिक्स पोजीशन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और वो स्टार्ट हो जाते हैं क्या, आराम से मूव करने लगते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो इस तरीके से हमें कौन सी स्टेज प्राप्त होती है सॉलिड से, जब लिक्विड फॉर्म की। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म मतलब होता है तब हमें क्या होती है, एक स्टेज प्राप्त होती है, जिसे हम लिक्विड कहते हैं, आपको तो पता ही है। अब उसे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, बस आप पहले एक चीज़ समझो, जैसे आप भगोने में पानी रखते हो, ठीक है, भगोने में पानी रखा गर्म करने के लिए, तो देखोगे थोड़ी देर बाद ना उसमें किनारे किनारे से ना छोटे छोटे से बबल्स आते हैं किनारे किनारे लेयर पर, तो वो जो पॉइंट होता है ना वो होता है मेल्टिंग पॉइंट है, वो तो बॉयलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे ही आपने आइस रखा या फिर आपने गोल्ड रखा, कुछ भी रखा हीट करने के लिए, तो वो हल्का सा नीचे से मेल्ट होना शुरू हो, जब बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आ रही बात, ये नहीं है कि वो पूरा मेल्ट हो जाए और तब वो मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं, जब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेल्ट होने का, स्टार्टिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम ताप एट विच अ सॉलिड के लिए, जब सॉलिड मेल्ट होता है बिकम अ लिक्विड, किस में, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वातावरणीय दाब, यहाँ तक ना वातावरणीय दाब, यानी जो प्रेशर होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आगे बस समझ लें, वह कम से कम ताप जिससे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है किस में, लिक्विड में, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेट ऑफ द स्ट्रेंथ, वो हमें क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, बताता है, वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को, किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, मतलब आपके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा इसका मतलब है वो सॉलिड स्टेट बहुत, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे अच्छा है। आ रही बात समझ में, मतलब कोई बहुत ठोस चीज होगी उसको ताप, उसको आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ना, और जो थोड़ा वैसा होगा जिसको लगता है ये तुरंत निकल जाता है तो उसको कम देना पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस पार्टिकल्स के बीच में सबसे अच्छा होगा। आ रही बात समझ में, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा वहीं पे मेल्टिंग पॉइंट हाई आता है। क्लियर हो गई। अब जैसे आप देख लो, अगर हम बर्फ़ को जो है गर्म करते हैं तो वो भी तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, लेकिन अगर हम गोल्ड को करेंगे तो उसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आ रही है क्लियर। अब है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन, वो प्रक्रिया जिसमें वो मतलब मेल्ट होने की वो प्रक्रिया जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्यूजन कहते हैं। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा भी था, मैंने कहा था विलय,
विलय मतलब होता है कि मतलब सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाना, मतलब एक मतलब एक ऐसी प्रोसेस आ जाना जिसमें वो दिखे ना उसके पार्टिकल थोड़े मूव हो जाएं, मूव कर जाएं, ठीक है। तो वही विलय, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वह हीट एनर्जी का अमाउंट जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें किसमें, एक किलोग्राम सॉलिड को। ध्यान रखना सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक किलोग्राम सॉलिड को, यहाँ पे देख लो एक किलोग्राम जो सॉलिड है उसको चेंज करने के लिए लिक्विड फॉर्म में, उसे कहते हैं हम द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल इज द वाटर एट, तो वाटर का पता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये डिग्री सेल्सियस में है बेटा। और जब केल्विन में हम उसी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 273, क्लियर। फिर हैव मोर एनर्जी, इसमें क्या होता है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस, आइस में एज अ सेम टेम्परेचर। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्टिंग मूविंग वेल फास्टर, तो जैसे ही हम उसमें टेम्परेचर देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्टार्ट कर देते हैं मूव फास्ट, मतलब फास्ट मूव करना। अब बॉइलिंग पॉइंट्स में, बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, आपको मैं जैसे मैंने बताया था अभी भगोने में पानी लेते हैं तो जब धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में आप देखो किनारे किनारे ना बबल्स आते हैं, आते हैं ना, तो वो जो बबल्स आते हैं तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर कहते हो वो गद्दे खाने लगता है, बहुत ज़्यादा बॉयल करने लगता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो वैसे ही है द टेम्परेचर एट विच आर लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेयर फेज, देखो सेम उल्टी, बस उल्टी रिएक्शन है। उसमें क्या था आपका लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल करना और उसमें क्या था सॉलिड स्टार्ट होता है लिक्विड फॉर्म में आना, और होता है किसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब वो ताप जिसमें लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट आपको ये पता है, सॉलिड मतलब जब सॉलिड के लिए कितना था 0 डिग्री, तो बॉइलिंग के लिए क्या होता है तो केल्विन में बदलने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, इसी में आपको आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबलता है, उबलता है ना, ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस पे तो जो है होता है टू आइस, और 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्या होता है बॉयल, है ना। लेकिन इसकी जो डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में क्या होती है इसमें, और अगर इसकी हमें केल्विन में वैल्यू निकालनी है तो आपको बेटा 100 में ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। 100 में जब आप ये वाली वैल्यू ऐड करोगे तो कितना आएगा 373 केल्विन, क्लियर। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड करना होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है तो आपको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 केल्विन आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू किसमें आएगी केल्विन में। देखो यहाँ पे हमने वही किया है, ठीक है, तो उसको हमने किसको डिफाइन किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। पार्टिकल इज स्टीम दैट वाटर वेपर एट इतने डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो उसके जो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी वाटर की एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, क्योंकि वो बॉयल होने लगेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इज स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर मतलब भाप बनना, ठीक है। तो वो चीज़ क्या, वो मतलब वो एनर्जी जिससे क्या होता है उसमें स्टीम होना यानी भाप बननी शुरू हो जाती है, उसे क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो यहाँ पे है सॉलिड से, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट किया तो गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब ऐसे जस्ट उल्टा, गैसियस फॉर्म को हमने कूल किया तो किसमें लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म को कूल किया तो सॉलिड में, जब बर्फ को पानी में बनाया, पानी को भाप में बनाया, फिर भाप को स्टोर कर लिया, ठंडा किया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म को फिर हमने जमा मतलब फ्रिज में रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितने पे आ गया सॉलिड स्टेट पे। हेंस वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, मतलब इन्होंने कहा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें किसमें हेरफेर करना पड़ता है टेम्परेचर में, आगे बस समझे। अ पॉइंट टू नोट सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा दोनों, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है कि वो चेंज, वो स्टेट में वो चेंज जिससे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनती है, मतलब आप सॉलिड को क्या करोगे हीट करोगे तो वो डायरेक्ट किस फॉर्म में चेंज जाएगी गैस फॉर्म में विदाउट लिक्विड में आए हुए,
लिक्विड स्टेट नहीं लेगी, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाएगी, गैस पे। देखो जैसे आप कपूर है, कपूर को जलाते हो तो कपूर डायरेक्ट वेपर फॉर्म में उड़ जाती है। या कुनेन की टैबलेट है, आप देखोगे रखे 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 जो आप रखे रहोगे घर में या फिर टॉयलेट में कहीं डाल देते हैं तो क्या होता है, वो जो है उसको वो गोलियाँ पड़ी रहती हैं और अपने आप ही धीरे धीरे करके उड़ जाती हैं। या फिर आप टॉयलेट में ओडोनिल लगाते हो, वो भी होता है, ठीक है। उससे भी क्या होता है, वो भी आप रखे रहोगे ना, लगाए रहोगे वॉशरूम में तो जब उसमें या फिर रूम में कहीं भी, तो बेटा क्या होता है थोड़ी देर बाद उसमें जो है देखोगे आप वो खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में उड़ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आए भी ना। तो जो वही है जो सॉलिड, वो जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किसमें फॉर्म हो जाए, गैसेस फॉर्म में, विदाउट लिक्विड स्टेट आए बिना। लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, सॉलिड से डायरेक्ट किन में चेंज हो रही है, गैसेस फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और जस्ट इसका उल्टा कर दो, किससे, गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, तो डायरेक्टली चेंज गैसेस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग लिक्विड। मतलब इसमें क्या होगा, गैस से सॉलिड में बनना, ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट आए, उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन। आ रहा है, जस्ट अपोजिट है डिपोजिशन इसका, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट है आपका बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मतलब जब हम प्रेशर में चेंज करते हैं तो मैटर में क्या क्या इफेक्ट आ पड़ता है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ तक कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो दो तीन बार पढ़ने की कोशिश करना, आपको सब समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी हम हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स के बीच में कौन सी एनर्जी शुरू होती है, काइनेटिक एनर्जी शुरू होती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को खोके दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैसियस में चेंज हो जाएगा, क्लियर। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, गुड लक।